शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मेरा परिवार पार्ट चार पूरा हो गया था, क्लास वर्क और टेक्स्ट बुक, और पार्ट पांच भी मैं आप लोगों को पार्ट पढ़ के और उसके बारे में मैं समझाई थी। मगर फिर भी अब एक बार मैं आप लोगों को पार्ट पांच यानी मेरा परिवार, यह पार्ट से हमको ग ट थ ध और प ये अक्षरों का ज्ञान होता है, और इससे भी ए की मात्रा, आई की मात्रा, ये दो मात्राओं का भी हमको ज्ञान मिलता है। तो हम समझ सकते हैं ये दो मात्राओं को ये पार्ट में से। पार्ट देखती हूँ, अगर आप सबके पास टेक्स्ट बुक्स है तो पार्ट उसमें देखकर सुनिए आप भी। दादा पढ़ते हैं अखबार, दादा अखबार, दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, माँ अच्छे पकवान बनाती, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों बढ़ते आपस में मिलजुल कर रहते, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। देखिए आपको दादा पढ़ते हैं अखबार, दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं, कहाँ उधर इधर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए दादाजी का काम क्या है, सुबह सुबह चाय पीना और जो पेपर अखबार का मतलब है न्यूज़पेपर, अखबार का मतलब है न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर लेकर घर के बाहर बैठकर आराम करना और वो पेपर पढ़ना। और उसके बाद पापा जाते हैं बाजार का मतलब मार्केट, जो भी चीज हमको पूरा चीज हमको बाजार में ही मिलता है। तो पापा किधर जाते हैं, बाजार जाते हैं, और काम के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो पापा बाजार जाते हैं। दादी मीठे गीत सुनाती, दादी जी क्या करती, जो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं तो उन लोगों को बिठा कर अच्छे अच्छे गीत संगीत नहीं तो कुछ पद्य ऐसा सबको सिखाती रहती है, अच्छे विषयों को नहीं तो कहानियों को बताते रहती है छोटे बच्चों को। और माँ अच्छे पकवान बनाती, आप सबके लिए खाने के लिए चाहिए ना, तो माँ क्या करती है, घर में पकवान यानी खाने की चीजों की तैयारी करती है। मैं और भैया दोनों पढ़ते, मैं भी और दोनों भैया भी दोनों मिलकर पढ़ते हैं। आप लोगों का काम वही है ना, स्कूल को जाना आना, होमवर्क करना, पढ़ना लिखना, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हम सब कैसे रहते हैं, हम दोनों मिलजुल कर रहते हैं। मुझको अपने घर से प्यार, मेरा घर तो मुझे बहुत प्यार है, सभी को अपना अपना घर बहुत पसंद है ना बच्चों। हाँ, यह है मेरा घर परिवार, ये छोटा सा घर है मेरा, सबको समझ में आया, मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझाई, फिर भी एक बार आपको अभी तभी समझाई। कविता में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सुनाइए, यानी जो रेखा दिया गया है, दादा पापा अखबार बाजार दादी माँ पकवान, मैं यही शब्द आपको लिखी हूँ, इसका क्या करना है, आप लोग लिंग बदलकर लिखना है, आप लोग क्या करना है, लिंग परिवर्तन का मतलब बदलना है, लिंग बदलकर सुनाना है, फिर गीत सुनाना है, क्या करना आप लोगों को, दादा पढ़ते हैं अखबार में, दादाजी पढ़ती है अखबार, पापा ने माँ जाते हैं बाजार, दादी का प्लेस में क्या करना है, दादा मीठे गीत सुनाते हैं, पापा अच्छे पकवान बनाते हैं, ऐसा बदल कर आप लोग लिखना चाहिए। तुम्हारे घर में कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, ये लोग आप ही लिखना है ये प्रश्न का उत्तर। उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर बताइए, दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मीठे मीठे गीत कौन सुनाती है, दादी जी मीठे मीठे गीत सुनाती है। घर में कौन पढ़ते हैं, मैं और भैया दोनों भी घर में पढ़ते हैं। शब्दों को पढ़ो, इनके वर्ण वर्णमाला चार्ट में पहचानिए और गोला लगाइए, ये आपको मालूम है, हर पाठ में आपको आ रहा है, ये लोग ये वर्णमाला चार्ट में आप लोग ही पूरा करना चाहिए।
और उसके नीचे आपको 12 कड़ी दिया गया है, और उसके बाद सुंदर अक्षरों में यानी सुलेख दिया गया है, ये भी आप लोग लिखना है। उसके नीचे 12 कड़ी क च त द म स इन अक्षरों को ये मात्रा ये लगाकर पूरा करना चाहिए। उसके बाद आपको ये मात्रा वाले वर्णों को ल के साथ जोड़कर पढ़ो और लिखो। मैं आप लोगों को पिछले पाठ में भी ये समझाई हूँ, फिर से भी हमें दिखा रही। देखिए आरो मैन नीचे को नीचे को है और ऊपर से फ्लाइंग दिया गया है खे में ते जे। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों को उदाहरण के लिए बताया गया है इधर खेल, पहला ये अक्षर से ये अक्षर को मिलाना है, ये अक्षर से ये अक्षर, अगर एरोमार्क ऊपर दिए समझो, ये अक्षर से ये अक्षर को मिलाना है। ठीक है, आपको मगर नीचे इधर ही दिया ना, ये समझदारी से करना है क्योंकि परीक्षा में भी आप लोगों को ऐसा ही दिया जाता है। खेल, दूसरा है मेल, तेल, बेल, रेल, और ये कौन सा है जेल। ठीक है, ऐसा लिखना है। अब नीचे पढ़ो लिखो पेड़ पर मैना थी, देखिए पढ़ो और लिखो ये बिट ई बिट जो ऊपर दिया गया है वही आप लोग नीचे लिखना है। पेड़ पर मैना थी ऋषभ कृषक का साथी, जो ऊपर है वही आप लोग नीचे लिखना चाहिए। यह है पार्ट 5, टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखना है ये पूरा हो गया। बाकी क्लास वर्क में क्या लिखना है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।